आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दिल्ली में हुई हिंसा में शुक्रवार तक मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। इस दौरान सोनिया गांधी ने राजधर्म की बात कही थी। सोनिया के इसी बयान पर अब भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा और राजधर्म का मतलब भी पूछा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कल महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ गई थी, हमें राजधर्म के बारे में बताया जा रहा है। आज मुझे राजधर्म के बारे में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी जी से कुछ सवाल करने हैं। सोनिया जी, पहली बात आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के विस्थापित हैं, जिनको उनकी आस्था के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको लेकर आपकी पार्टी की एक सोच रही है। आपके नेताओं ने बार बार खुलकर इस पर स्टैंड लिया था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इंदिरा जी ने युगांडा के विस्थापितों की मदद की थी, राजीव गांधी जी ने तमिल लोगों की मदद की थी, मनमोहन जी ने कहा था कि नागरिकता मिलनी चाहिए और अशोक गहलोत जी तो शिवराज पाटिल और आडवाणी जी को पत्र लिखा था कि नागरिकता मिलनी चाहिए। ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गया? सोनिया जी, जरा आप अपनी टिप्पणियों को देखिए। रामलीला ग्राउंड में आपने क्या कहा था, अब इस पार और उस पार फैसला लेना है। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं। सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में, और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोनिया गांधी जी आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि क्या मनमोहन जी ने जो किया था वो गलत था, क्या जो इंदिरा जी और राजीव जी ने काम किया था वो गलत था। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सोनिया जी, आपने रामलीला मैदान में कहा था कि इस पार और उस पार की लड़ाई होगी, ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? सोनिया जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि जब शाइन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तब भी आप खामोश थी। क्या आपकी पार्टी ने यह भी कहने की जरूरत नहीं समझी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं? ये है आपका राजधर्म? उन्होंने कहा दिल्ली में शांति चाहिए और कांग्रेस राजधर्म के नाम पर देश में उत्तेजना फैलाने की कोशिश कर रही है। ये समय शांति के लिए हाथ बढ़ाने का है, ये समय उत्तेजना फैलाने का नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्वर जो दिसंबर में आर पार का था, वही स्वराज भी है। इसका कारण ये है कि कांग्रेस अपनी हार नहीं भूल पाती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दिसंबर 2019 के लिए टेलीफोन सब्सक्राइबर्स के आंकड़े जारी किए हैं। इस दौरान मोबाइल फोन की कॉल दरें बढ़ने से देश भर में मोबाइल यूजर्स की संख्या में कमी आई है। लेकिन ट्राई के मुताबिक नवंबर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 7.46 करोड़ थी, जो दिसंबर 2019 में 2.33 लाख बढ़कर 7.49 करोड़ हो गई है। जहां तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बात है तो एमपीसीजी सर्कल में दिसंबर 2019 में रिलायंस जियो ने 4.66 लाख ग्राहक जुड़े हैं। वहीं एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में 1.39 लाख की कमी आई है। पूरे देश में मोबाइल ग्राहकों की संख्या 115.4 करोड़ से घटकर 115.1 करोड़ हो गई है। दिसंबर 2019 के महीने में ग्राहकों की संख्या में 31.5 लाख की कमी देखी गई है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीसीजी में वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल के ग्राहकों में भी कमी आई है। ट्राई के वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही के लिए टेलीकॉम कंपनियों के रेवेन्यू मार्केट शेयर के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। ट्राई के मुताबिक तीसरी तिमाही में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सर्किल में जियो की आय 1,183 करोड़ रुपए रही, वहीं वोडाफोन आइडिया की आय 651 करोड़ रुपए रही। एयरटेल ने तीसरी तिमाही में 513 करोड़ रुपए कमाए।
चाय के रेवेन्यू मार्केट शेयर के आंकड़ों के हिसाब से भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जियो 49% के साथ पहले स्थान पर है। धान के मुद्दे पर प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार से यह जानना चाहा कि कितने किसानों ने पंजीकृत रकबे का पूरा धान बेचा। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि 33,146 किसानों ने पूरा धान बेचा। मंत्री अमरजीत भगत ने सदन में बताया कि प्रदेश में इस साल 19,55,465 किसानों का पंजीयन हुआ था, जिनमें से 33,146 किसानों ने प्रदेश में 100% धान बेचा। भाजपा ने सदन में कहा कि 19 लाख से ज्यादा किसानों का धान 100% नहीं खरीदा गया है। किसानों का धान कब खरीदा जाएगा, इस सवाल पर इसकी घोषणा करने की मांग की गई। विधानसभा में विपक्ष धान के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह घेरने की रणनीति से पहुंचा था। भाजपा सदस्यों ने अपने सवालों के साथ मंत्री को घेरना शुरू कर दिया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक मोहन मरकाम ने हस्तक्षेप भी किया। मंत्री के हर जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और सदन में तल्खी बढ़ती गई। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सवाल पर चर्चा के लिए समय का हवाला देने पर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और गर्भगृह में पहुंच गए, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित 11 विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। पूर्व जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जैकलिन के जैक के सहारे चल रही है। इस सरकार में कभी आईफा तो कभी आईटा की बात होती है। सरकार फिल्मों के सहारे चल रही है, आए दिन फिल्मों को करोड़ों रुपए की छूट दी जाती है। ये कमलनाथ सरकार शराब और शबाब पर केंद्रित होकर रह गई है। सरकार में रोज शराब नीति बनती है और आईफा सुनाया जाता है। पूरी सरकार शराब और शबाब पर केंद्रित हो गई है। कोई ना कोई चर्चा पिछले महीनों में या तो शराब की हो रही है या फिल्मी दुनिया और शबाब की हो रही है। कभी पिक्चरों के 5 करोड़ रुपए की टैक्स की छूट दी जा रही है, कभी सलमान खान और वो जैकलीन जी आ रही हैं, वो जैक लगा रही हैं सरकार को चलाने के लिए। वो जो आईफा अवार्ड है और उसके पहले इंदौर में वो आईटा हुआ, आईटा के बाद आईफा, आप देखिए इसी के केंद्र के आसपास घूम रही है। इस सरकार में सबसे ज्यादा किसान और अनुसूचित जाति का वर्ग परेशान है। किसानों को अब राशि नहीं दी गई है, किसानों ने गेहूं के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं। किसान परेशान है और आत्महत्या कर रहा है। सरकार में कानून व्यवस्था ठप है। जिस बेटी ने खुदकुशी की वह पहले थाने में रिपोर्ट लिखवाने गई थी, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। अनुसूचित जाति के वर्ग के एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री कमलनाथ को उनसे मिलने की फुर्सत नहीं मिली। सरकार तो सिर्फ आईफा में व्यस्त है। कहीं भी आपको सरकार किसान के आसपास घूमती दिख रही हो तो बताओ, किसान परेशान है, किसान हैरान है, किसान आत्महत्या कर रहा है। अभी गेहूं के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लेकिन आधे रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए किसान ने। क्यों? क्योंकि पिछले साल का 160 रुपया जो बोनस की घोषणा की गई वो आज तक नहीं दिया। नया गेहूं आ रहा है, पिछला गेहूं घोषणा करके खरीद लिया। किसान ठगा महसूस कर रहा है, आत्महत्या को मजबूर, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए उसने। इस सरकार में अगर कोई परेशान है तो किसान है, HC और ST हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग परेशान। बिटिया आत्महत्या के पहले बैतूल की थाने में गई रिपोर्ट लिखाने, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई, घर छोड़ा है उसको। आत्महत्या को प्रेरित करने का काम किया उस थाने ने, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आईफा में व्यस्त है, टैक्स छूट देने में व्यस्त है, शराब के बारे में रोज नए नए शगल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? सागर में अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जिंदा जला दिया। समय नहीं है मुख्यमंत्री जी पे के 5वें फ्लोर से नीचे आ जाए।
तो इसलिए मेरी मान्यता है कि ये किम कर्तव्य विमूढ़ सरकार है, उहापो की स्थिति में सरकार है, हर मोर्चे पर असफल और फेल सरकार है। नरोत्तम मिश्रा ने आरिफ मसूद के बयान को लेकर कहा कि कांग्रेस ने कभी मुसलमानों का साथ नहीं दिया है। कांग्रेस जहां चुनाव होता है वहीं मुसलमानों की बात करती है। मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है तो यहां कांग्रेस मुसलमानों की बात नहीं करेगी। पूरे प्रदेश में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, सरकार में कुछ भी ठीक नहीं है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र ने स्वच्छता मिशन के पैसे में कटौती की है। केंद्र ने मात्र 27 करोड़ रुपए दिए हैं, केंद्र ने प्रदेश की हर योजना के मद से पैसा काटा। शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा कि शिवराज 15 सालों का हिसाब दें और केंद्र से काटी गई राशि के बारे में पूछें। शर्मा ने प्रदेश को हॉर्टिकल्चर राजधानी बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। जस्टिस मुरलीधरन के तबादले पर पीसी शर्मा ने कहा कि इस तरह न्यायप्रिय जज को हटाना गलत है। इन्होंने गैस त्रासदी में लोगों के लिए निःशुल्क केस लड़े हैं। सीए के मामले में विधायक आरिफ मसूद के बयान पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह और खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। स्वच्छता मिशन में भी जैसे 14,000 करोड़ रुपए काटे हैं, ऐसे स्वच्छता मिशन में जो पैसा आना चाहिए मध्य प्रदेश को 2019-20 में, वो भी कम कर दिया और कम लेके पूरे प्रदेश के लिए केवल 2700 करोड़ रुपए दिए हैं केंद्र सरकार ने। सॉरी 27 करोड़, केवल 27 करोड़ दिए हैं, उसमें भी कटौती कर दी। पूरा पैसा इस मामले में गुजरात भेज दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे हिसाब मांगे और 15 साल का हिसाब शिवराज सिंह चौहान दें, जो उन्होंने मध्य प्रदेश को बंठा डाल कर दिया। मैं समझता हूँ कि सीए के मामले में सबसे पहले वोकली अगर कुछ दो लोग बोले हैं मध्य प्रदेश में, मैं समझता हूँ कि एक दिग्विजय सिंह जी और दूसरे हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। दिल्ली आयकर की टीम के नेतृत्व में एक दर्जन से ज्यादा हाई प्रोफाइल लोगों पर कार्रवाई की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांडा, शराब कारोबारी अमोलक सिंह भाटिया, रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज डेबर के भाई अनवर डेबर के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। नान घोटाले में फंसे IAS अनिल टुटेजा की पत्नी मीनाक्षी टुटेजा के ब्यूटी पार्लर चेन पर भी कार्रवाई की गई है। आयकर विभाग के इन्वेस्टिगेशन विंग के आला अधिकारियों ने बताया कि राजधानी में डॉक्टर ए फरिश्ता होटल कारोबारी गुरुचरण सिंह होरा, कमलेश जैन सीए, अजय सिंह वानी, संजय संचेती और आबकारी विभाग के OSDS AP त्रिपाठी के भिलाई 9 स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की गई। इसमें से अनेक स्थानों पर आयकर की टीम दस्तावेजों की पूरी जांच रात में कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ स्थानों पर जांच 3 दिन तक चल सकती है। आयकर के 100 से ज्यादा अधिकारियों की टीम जांच में जुटी हुई है। इस बीच छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि आयकर अपना काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बदलापुर की कार्रवाई भी हो सकती है। ये प्रक्रिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, अब कौन से पुर के तहत है मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक प्रक्रिया है तो ठीक है, IT की प्रक्रिया है, वो कर रहे हैं, जो परिणाम सामने आएंगे। आयकर अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रायपुर दुर्ग के 19 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हुई। इन्वेस्टिगेशन विंग ने छत्तीसगढ़ के आयकर अधिकारियों को पूरे ऑपरेशन के भनक तक नहीं लगने दी। प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भोपाल और CCIT रायपुर को ऑपरेशन शुरू होने के 3 घंटे बाद जानकारी मिली। देर शाम तक क्या कार्रवाई हुई इसकी जानकारी भी छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को नहीं दी गई। आयकर अधिकारियों के अनुसार पिछले 3 महीने से हाई प्रोफाइल कारोबारियों और अधिकारियों पर नजर रखी जा रही थी। छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग की टीम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी सौम्य चौरसिया के घर छापेमार कार्रवाई की। कार्रवाई में आधा दर्जन आयकर के अधिकारियों के साथ CRPF के जवान मौजूद थे। यह कार्रवाई भिलाई के जुनवानी में सूर्या रेसिडेंसी स्थित घर में चल रही है। बताया जा रहा है कि जब आयकर की टीम पहुंची तो घर में ताला लगा हुआ था, जिसके कारण आयकर के अधिकारियों को घर के बाहर
खड़े होकर कार्रवाई करनी पड़ी। इस दौरान जिला पुलिस बल भी मौजूद रहा। कोयला क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की घोषणा कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने पिछले दिनों की। इसमें कहा गया है कि कोयला नीलामी में वही हिस्सा ले सकता है जिसके पास देश में कोयला खनन का कारोबार था, लेकिन अब इस शर्त को पूरी तरह हटा दिया गया है। सरकार ने दावा किया है कि देश में कोयला खनन व्यवस्था में बदलाव से आयात बिल में कमी लाने का रास्ता साफ हो गया है। इस पर कोरबा एक्ट कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता दिवेश मिश्रा ने कहा कि खनिज कानून संशोधन अध्यादेश 2020 के जरिए सरकार ने भारत में कोयले के राष्ट्रीयकरण को पूरी तरह खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, फिलहाल कोल इंडिया लिमिटेड और सिगरेनी कोलियरीज लिमिटेड देश के कुल कोयला उत्पादन का 90% से भी अधिक उत्पादन करते हैं। इससे बहुत बड़ा हिस्सा अब बहुराष्ट्रीय व निजी कंपनियों के हाथों में चला जाएगा, जो कोल इंडिया के लिए बहुत विषम परिस्थिति होगी। अगर CIL को कंपनी अपनी बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखनी है तो उसे कोयला उत्खनन और आपूर्ति दोनों मोर्चों पर अपनी क्षमता बढ़ानी होगी तथा खुले बाजार में कीमतों के जंग में उसे जबरदस्त प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। इसका सीधा असर कोयला मजदूर पर पड़ेगा। बहुराष्ट्रीय और निजी कंपनियां कोयला उत्पाद लागत कम रख सस्ते में कोयला बाजार में बेचेंगी। कोल इंडिया को बाजार में बने रहने के लिए अपने वर्तमान कोयला उत्पादन लागत को और घटाना पड़ेगा, तभी वह बाजार में टिक पाएगी। पर्वतारोही मेघा परमार दुनिया के सातों महाद्वीपों की सारी ऊंची चोटियों पर चढ़कर भारत और मध्य प्रदेश का नाम ऊंचा करना चाहती हैं। मेघा 2 मार्च को माउंट कोसियास्को की चोटी पर पहुंचेंगी। मेघा ने महिला बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश पर्यटन और बिग स्टेप एडवेंचर कंपनी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया और पर्वतारोहण के लिए पूरी मदद की। इस दौरे में मेघा के साथ 4 और लोग जा रहे हैं, जिनमें भोपाल के शोभित शर्मा भी शामिल होंगे। मेघा मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास विभाग की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को प्रमोट कर रही हैं, तो वहीं शोभित मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और विश्व शांति के मकसद से जा रहे हैं। ग्वालियर में प्रॉपर्टी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद 5 बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। बदमाशों के फायरिंग करने का वीडियो बिल्डिंग में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने फरियादी दीपक खटके की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। यह मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। ग्वालियर इस तरह हुई खुलेआम फायरिंग ने पुलिस प्रशासन के सुरक्षा के दावों की पोल खुलकर रख दी है। सोशल मीडिया पर ट्रक ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ट्रक के हॉर्न से एक्टर धर्मेंद्र पर फिल्माया गाना मैं जट यमला पगला दीवाना बजाता है। वीडियो में इसके बाद रास्ते में बैठे लोग उसे रोक लेते हैं और फिर से हॉर्न बजाकर उसी गाने की डिमांड एक बार और कहते दिखाई देते हैं। ट्रक ड्राइवर लोगों की फरमाइश पर फिर से मैं जट यमला पगला दीवाना गाना बजाता है और लोग वाह वाह कहने लगते हैं। ट्रक भोपाल के फतेहगढ़ इलाके में ट्रैफिक की वजह से फंस गया था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। इसके बाद ट्रक हॉर्न को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट्स आने लगे हैं। कुछ लोगों ने एक्टर धर्मेंद्र का नाम लेकर लिखा है कि सर आपका गाना अभी भी रॉकिंग है, लोगों ने आपका गाना सुनने के लिए ट्रक को ही रोक दिया, आज भी आपके दीवाने कम नहीं है। एक्टर धर्मेंद्र पर यह गाना प्रतिज्ञा फिल्म में फिल्माया गया था। इसके बाद इसी गाने के नाम पर फिल्म यमला पगला दीवाना बनाई गई। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।